अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डायरेक्ट कैसे बीएड में एडमिशन लेंगे और कैसे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, एबीसी नंबर कैसे आएगा, डीबी नंबर क्या है, एक एक चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिल्कुल वीडियो पे बने रहो और ध्यान से देखिए कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। चलिए एक एक चीज को मैं अप्लाई करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं और कैसे फॉर्म को अप्लाई करने के साथ साथ आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आप देखेंगे, यहाँ पे मोदी जी होंगे, नजमा अख्तर होंगे और प्रेसिडेंट साहब होंगे रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो इससे सारी चीज आते रहेगा, ऐसे पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आपको करना है क्या, थोड़ी सी स्क्रॉल अप करना है। आपको स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन वगैरह आता है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एडमिशन सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एडमिशन सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एडमिशन सेक्शन में एक नया फॉर्म आया हुआ, नया लिंक है, इसमें कैसे अप्लाई करती है इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। आज बात करने वाली इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, बीएड के फॉर्म कैसे हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर बताएंगे, एबीसीडी नंबर कैसे जनरेट किए वो भी मैंने आपको बताया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा कि एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं और डीबी आईडी कैसे बनाते हैं। बिना एबीसी आईडी और डीबी आईडी का फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं। इस वाले हम लिंक पे क्लिक कर देंगे, इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इस टाइप का यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह दिया है, इसको स्टडी आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया प्रोस्पेक्टस दिया है और यहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दिया है, डीबी आईडी कैसे बनाते हैं ये स्टेप बाय स्टेप दिया है, एबीसीडी आईडी कैसे बनाते हैं ये भी दिया है, लेकिन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके आसानी से देख सकते हैं और बहुत ही सिंपल प्रोसेस में आप बना सकते हैं। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल ऐसे एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपको अपना डिटेल फिट करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, नेम डालना है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम मोहम्मद साजिद खान, तो यहाँ पे मोहम्मद डाल देंगे, यहाँ पे साजिद डाल देंगे, यहाँ पे खान डाल देंगे तो हमारा नाम आ जाएगा। अब लेट्स एग्जाम्पल कि किसी का दो ही नाम है, जैसे कि मोहम्मद साजिद हो तो मोहम्मद इसमें लिखेगा, साजिद इसमें लिखेगा, या साजिद खान ही हो तो साजिद इसमें लिखेगा, खान इसमें लिखेगा, तो एक स्पेस खाली रह जाएगा। तो इसमें जामिया क्राइटेरिया क्या है कि आपको तीनों बॉक्स में डालना होगा। तो एक में क्या करना है कि अगर मान लीजिए इसमें मोहम्मद डाल दिए, इसमें साजिद डाल दिए, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए दो ही नाम है तो खान के लास्ट नेम में आपको स्पेस बटन क्लिक कर देना है, यानी स्पेस डाल देना है, जिससे वो तीनों फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम, ये सारी चीज ब्लर कर देंगे जब किसी बच्चे का डिटेल फिल करेंगे कि यूट्यूब के क्राइटेरिया के खिलाफ है, तो हम सारी ये ब्लर कर देंगे जब डिटेल फिट करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो शेयर नहीं की जाती तो ब्लर कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप फिट करेंगे, उसके बाद जेंडर डालेंगे, यहाँ पे फादर नेम डालेंगे और यहाँ पे मदर नेम डालेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, दोबारा से पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज आपको यहाँ पे फिट करनी होगी, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि कभी फॉर्म हमने अप्लाई किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड हमेशा स्मॉल में ही होता है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, अब उसको करेक्शन करना है। चलिए एक बार मैं फिट करता हूँ ब्लर करके जल्दी से। मैं देखिए डिटेल डालने के बाद साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये सारी चीज आ जाएगी जो आपने फिट करा। अगर वो सही है तो आप देख लेंगे सही है, और उस फिर आपके एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको डालना है या लिंक के जरिए भी, आप ईमेल के जरिए भी क्लिक कर सकते हैं, या कॉन्टेक्ट नंबर जो डालेंगे उस पर भी आपका एक्टिवेशन कोड आ जाएगा, उससे भी आप एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरा अगर डिटेल सही है तो मैं कंफर्म करूंगा, नहीं तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा डिटेल अभी फिलहाल को मैंने चेक कर लिया, हमारा डिटेल सारा है बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कन्फर्म कर देते हैं, कन्फर्म कर देंगे। जैसे अब ये जो आप इसमें फिर आपका मॉडिफाई नहीं हो सकता, हमने कन्फर्म कर दिया और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, कंफर्म करने के बाद हमने क्या करना है, हमें एक्टिवेशन करना है। अगर आपने ईमेल से करना है तो ईमेल जो आपने डाला उस पर लिंक दिया उस लिंक पे क्लिक करना, अदरवाइज आपको क्या करना है एक्टिवेट करना है, तो क्योंकि आपके ओटीपी आया होगा नंबर पे तो आपके एक्टिवेट योर अकाउंट करना है, उसके बाद वो ईमेल ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक्टिवेशन कोड डालना है, ठीक है।
तो एक्टिवेशन कोड जो आया है आपको, वो अपना एक्टिवेशन कोड आप डालेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे हमने रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर करने के बाद हम लॉग इन करेंगे, लॉग इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ से भी लॉग इन करेंगे। चलिए मैं क्या है किसी एक से भी लॉग इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे वो ईमेल हम ऑलरेडी डालेंगे और पासवर्ड ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, ले लेगा, हमारा ऐसा पेज खुल जाएगा। ठीक है, जब ऐसा पेज खुल जाएगा तो माई एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करना है और यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना है। देखिए बैचलर है, मास्टर है, पीजी है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्म है। जैसे मास्टर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखा मास्टर का कोई भी फॉर्म नहीं है, सिर्फ बैचलर्स में ही आपको मतलब बीएड का मिलेगा, बाकी ऑलमोस्ट सारे फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। यहाँ देखिए कोई भी फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स में आपका बीएड का फॉर्म ओपन है। देखिए बैचलर ऑफ एडुकेशन, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से प्रोसीड कर देंगे, यहाँ से कंसेंट देंगे, कंसेंट देने के बाद एड दिस कोर्स कर देंगे। अब हमारा फॉर्म का मेन काम शुरू होगा। अब मतलब मेन पार्ट हो चुका है, अब हमारा काम शुरू होने वाला है। सबसे पहले हम डिटेल डालेंगे, ये सारी चीज मैं ब्लर कर दूंगा, जो चीजें दिखाने वाले होंगे दिखा दूंगा। यहाँ से क्या है सोशल कैटेगरी कि आप जनरल है, एसटी एससी है, ओबीसी है, क्या है, तो हम जनरल है तो जनरल डालेंगे जो हमारा कैंडिडेट है। यहाँ पे आपका कंट्री इंडिया ही डालना। अब आपको एबीसीडी आईडी, आपने एबीसी आईडी जो जनरेट किया था उसको यहाँ पे डालना है। अब मैंने आपको एक चीज और बताया कि एबीसीडी आईडी कैसे जनरेट करते हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां से आप जाके एबीसीडी आईडी को आप जनरेट कर सकते हैं बिना किसी भी प्रॉब्लम के। आसानी से आप एबीसीडी आईडी को जनरेट कर सकते हैं। चलिए एबीसीडी आईडी के साथ साथ मैं आपको, सबसे पहली बात है कि हम अपना डीबी आईडी दोनों जनरेट किया, हम दोनों ही यहाँ पे डाल देते हैं, एबीसीडी आईडी और डीबी आईडी। ठीक है, तो हम एबीसीडी आईडी निकाल लेते हैं। अब हमको क्या करना है, हमने एबीसीडी आईडी डाल दिया, अब डीबी आईडी डालेंगे। ठीक है, डीबी आईडी जो हमने जनरेट किया था उस आईडी को हम डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट है, तो अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना। क्या कश्मीरी या पंडित है, जब जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो हाँ, तो हाँ, नहीं तो नहीं, और यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट यस नो कर देना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें, इस कोर्स में आपका ऑफलाइन मोड ही होगा, ऑनलाइन मोड नहीं होगा। ब्लड ग्रुप की बात करें तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है अपना ब्लड ग्रुप डाल दे, और गार्जियन के नाम में अपने यहाँ पे गार्जियन के नाम डाल दे। ठीक है, अब गार्जियन के नाम डालने के बाद आपको करना है कि आपने गार्जियन के नाम डाल देना है। ठीक है, गार्जियन का नाम डाल दिया आपने। ठीक है, अब गार्जियन का नाम आपने जब डाल दिया, इसमें फिट कर दिया, तो उसके बाद क्या करना है, गार्जियन का कांटेक्ट नंबर डालना है, तो हम गार्जियन का कांटेक्ट नंबर इसमें फिट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे रिलीजन पूछ रहा है, तो आपको रिलीजन, यहाँ पे रिलीजन पूछ रहा है तो रिलीजन जो भी आपका डाल दें। ठीक है, उसके बाद इनकम, फैमिली क्या है, तो जो भी है 1 से 2 लाख कर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर पूछ रहा है, तो आधार नंबर पूछ रहा है तो आपको आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, तो जो भी चीज आपको मांगता रहेगा आपको उस चीज को इसमें फिट करते रहना है। ठीक है, तो आधार नंबर आपको अपना डाल देना, आधार नंबर, चलिए आधार नंबर हम फिट कर लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसमें बच्ची का फॉर्म अप्लाई था इसका, तो मैंने आधार नंबर इसमें यहीं से हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोकेलिटी में पूछ रहा है, तो लोकेलिटी में अर्बन है तो मतलब गांव से या शहर से, तो जो भी आप डाल दीजिए, तो शहर से तो शहर के डाल। अब यहाँ पे एड्रेस की बात करिए तो एड्रेस हम अपना डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पिन कोड डाल दे 1100 1100 25। ठीक है, एंड गार्जियन का कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हमने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, एंड आपका लैंडलाइन है तो डाल दीजिए, स्टडी कोड नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। अब अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इस वाले लिंक पे आपको मतलब इस वाले बॉक्स पे चेक कर देना, मैंने क्लिक कर देना। तो अगर आपका डिफरेंट तो डिफरेंट डाल सकते हैं, सेम है तो सेम भी डाल सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे सेम डाल देंगे। ठीक है, सेम डाल के हम यहाँ से क्या कर देंगे, सेवन प्रोसीड कर देंगे। सेवन प्रोसीड कर देंगे तो हमारा ऑप्शन आता है फोटो अपलोड करने का। ठीक है, तो हम फोटो अपलोड पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर भी रखा था तो सिग्नेचर भी हमारा यहीं से मिल जाएगा, तो हम यहाँ से सिग्नेचर भी हम अपना लेकर यहाँ से अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया, अब हमारा सिग्नेचर फोटो अपलोड हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से प्रोसीड कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। अब हमारे क्या करेंगे, 10th और 12th के जो भी क्वालिफिकेशन हो मांग रहा है, फिर बैचलर्स की मांग रहा है, तो क्योंकि आपको बैचलर्स तक ही तो अप्लाई करना है, और
2 ईयर एक्सपीरियंस जो भी आपका मांग रहा है वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको फिट करना है, ठीक है, या रिजल्ट अवेटेड जो मैं उसमें डाल देना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा डिटेल है, चलिए जल्दी से हम डिटेल को फीड कर लेते हैं। कब है फाइनल? 2019 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉलेज का नाम क्या है, सीरी, ठीक है। ये डिटेल डालने के बाद हमें प्रोसीड कर देना। जब हम प्रोसीड कर देंगे तो ऐसा इंटरफेरेंस आएगा। अब फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देना हमें, ठीक है। सेव एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा एम्प्लॉयर नंबर, एम्प्लॉयर एड्रेस, ठीक है, ये सारे चीज़ हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दे देंगे तहनिया फातिमा, ठीक है। कहाँ कहाँ एम्प्लॉयर एड्रेस, एक्सपीरियंस डिटेल, ठीक है। आपको अपने यहाँ पे एम्प्लॉयर एड्रेस देना कि आपने कहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। एम्प्लॉयर का नाम देना है और कहाँ पे आपने पढ़ाया है, ठीक है। और यहाँ पे पीरियड की बात करें तो पीरियड जो हमारा यहाँ पे अक्टूबर 2024, ठीक है। टोटल पीरियड टोटल पीरियड आप इसमें 4-5, ठीक है। पोस्ट हेल्ड प्राइमरी, ठीक है, नेचर अपॉइंटमेंट टीचिंग। तो इसमें आपको डालना है कि क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या आप अपने अपॉइंटमेंट करा, कि पोस्ट का हेल्ड मतलब क्या है, मतलब कौन सा पोजीशन में आपने पढ़ाई, किस क्लास को, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या था, टीचिंग था, नॉन टीचिंग था। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। फिर यहाँ सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना। अब ये सारी चीज आपका ऐसे होने के बाद आपको आप कह रहे कि एक्सपीरियंस एडेड इसके अलावा अगर मतलब और भी कुछ किए हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं, एक ही फील्ड हमें करना है। अब ये सारी चीज़ें आपको अपना डिटेल देख लेना है कि भाई आपने जो भरा है वो सही है कि गलत है, क्या है, या उसके बाद फिर आपको करेक्शन करना है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट का सेंटर दो दो आ गया है, तो हमें दोनों सेंटर में से सारे डिटेल आपका सही होगा, तो यहाँ से कंफर्म करके आपको कंटिन्यू कर देना, ठीक है। आपने कंफर्म करके कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए आपके यहाँ दो दो सेंटर आ रहा था, अब एक ही सेंटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह अपना सारी डिटेल देख सकते हैं, दोनों सेंटर आ रहा है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू। अब यहाँ पे प्रोसीड टू आपको पेमेंट करना है। अब जब आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा, डिटेल्स मांगेगा, तो आप पेमेंट डिटेल डालेंगे, पेमेंट डिटेल डालेंगे तो उसके बाद आपका फाइनली पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जाके आप फॉर्म को अपना क्लियरली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो स्टेप रह रहा है सिर्फ पेमेंट का रह रहा है, और पेमेंट को आसानी से आप कर सकते हैं, तो ठीक है। पेमेंट करने के लिए आपको आसानी से पेमेंट कर, 1500 का चार्ज लगेगा आपको, तो 1500 चार्ज देकर आप आसानी से अपना पेमेंट को कर सकते हैं। आप पेमेंट कैसे करेंगे वो भी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पेमेंट आपको कैसे करना है, ठीक है। अब पेमेंट करने के लिए वो भी चीज़ें मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि कैसे पेमेंट करेंगे, आपको सारी चीज़ A to Z में आपको बता देता हूँ, ठीक है। A to Z में आपको बता दे रहा हूँ कि पेमेंट करके ही बता दे रहा हूँ कि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी सी मेरे चार्ज लग जाए नो इशू, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। अब हमको करना है क्या है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑनलाइन पे ले लेंगे, ऑनलाइन के बाद यहाँ पे सारे मोड आपको दिया, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, SBI नेटवर्किंग से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक से कर सकते हैं, और यहाँ पे आप UPI कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पता है कि सारे लोग UPI ही करना चाहते हैं, तो आप UPI कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए अब UPI यहाँ से आप करते हैं। अब UPI पे आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे। अब जब प्रोसीड टू पेमेंट पे कर देंगे तो फिर यहाँ पे आपको 1500 का चार्ज है पे नाउ करना है, और टोटली आपका जो भी होगा यहाँ से UPI एड्रेस वगैरह डाल देंगे यहाँ पे, तो आप चाहें तो UPI एड्रेस से ये डायरेक्ट आप स्कैनर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं,
सिर्फ और सिर्फ आपको 1500 का चार्ज देना पड़ेगा। हम यहाँ से सिलेक्ट किया और पेमेंट ऑप्शन आया और हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, देखिए आप 200 का कैशबैक भी मिल सकता है अगर आप इनके जरिए पेमेंट करते हैं तो। अब यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग है, कन्फर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे देखिए पेमेंट हमारा क्या हो गया, हमारा पेमेंट कन्फर्म हो गया। आपके लिए मैंने 1500 का पेमेंट कर दिया कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोग पेमेंट नहीं करते, लेकिन हमने पेमेंट करके इसलिए दिखाया कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, बैक टू माई एप्लीकेशन आना है और यहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्म को देख सकते हैं जो आपने अप्लाई कर रखे हैं। तो सारी चीज़ आपके सामने यहाँ पे ओपन होगी, आप आसानी से अपने फॉर्म को देख सकते हैं। ठीक है, आपकी ABCDID, DEB ID, तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जामिया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ मोहम्मद साजिद खान, मिलते हैं अगले वीडियो में। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।